हेलो स्टूडेंट्स, हमारे सामने क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। देखो, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, जो क्वेश्चन मन में हो सकते हैं उन्हें मन में किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखा जाए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो स्टूडेंट देखो, क्वेश्चन नंबर वन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी। देखो, एकदम सही बात है। अगर आप लोग को फॉर्मूला पता हो तो आप बड़े आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। वैसे अगर आपको फॉर्मूला ना भी पता हो तो ए की वैल्यू वन मान लो, बी की वैल्यू जीरो मान लो, सी की वैल्यू माइनस वन मान लो। ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू जीरो और सी की वैल्यू माइनस वन, ऑप्शन नंबर वन सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह से बाकी ऑप्शन को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन नंबर वन की बात देखें तो फॉर्मूला हम लोग को पता ही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बराबर जीरो होता है। तो वो बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी सॉरी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी होगा। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड ऑप्शन, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तो इसका स्क्वायर करो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, तो एल एच एस इधर जाएगा, आर एच एस उधर जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए सी प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यही रहेगा और माइनस वाला पार्ट उधर चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर टू भी सही है। ऑप्शन नंबर थ्री और ऑप्शन नंबर वन एक जैसे ही है। अगर देखो ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर थ्री को देखो तो इनका एल एच एस बराबर है, और अगर हम लोग यहाँ पर ए बी को कॉमन रहने दे सी को, सी को यहां से क्या लिखेंगे, देखो जहां जहां मेरा एरो जा रहा है, ये जो सी है, सी ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर थ्री एक ही चीज है, ये जो सी है इस सी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर सी उधर जाएगा, अगर सी को एल एच एस में रखा जाए तो ए प्लस बी उधर जाके माइनस में हो जाएगा, अगर सी को एल एच एस में रखा जाए तो ए प्लस बी उधर जाके माइनस में हो जाएगा, मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर थ्री, ऑल थ्री आर करेक्ट। ये मन में करने वाला क्वेश्चन था, इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ऑल थ्री आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये वाला, देखे क्या है, इफ पी इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू का अंडर रूट प्लस थ्री क्यू माइनस टू का अंडर रूट डिवाइडेड बाई थ्री क्यू प्लस टू का अंडर रूट माइनस थ्री क्यू माइनस टू का अंडर रूट, ठीक है। तो हमें पी स्क्वायर माइनस थ्री पी क्यू प्लस टू की वैल्यू निकालनी। क्या इस क्वेश्चन को हम लोग बिना पेन के कर सकते हैं, एक बार ट्राई करने की कोशिश करी जाए। अगर हम क्यू की वैल्यू को जीरो मान लें, नहीं फिर वैल्यू निगेटिव में आ जाएगी, यहाँ अंडर रूट माइनस टू आ जाएगा। चलो क्यू की वैल्यू को अगर वन भी मान ले, बहुत लंबा हो जाएगा, घूम फिर के बाद बहुत लेंदी पड़ जाएगी। क्या कर सकते हैं इसके लिए, सोचिए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, वैसे से हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा का पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा, कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर जीरो आता है, लेकिन एक बार आप लोग ट्राई करके जरूर देखिएगा, ठीक है, ऐसे तुक्का मत मारिएगा। मेरे हिसाब से इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लग सकता, क्योंकि अगर वन रखोगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है, एंड ठीक है, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं। वट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन 67 की पावर 32? तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये भी मन में हो जाएगा। 67 की पावर 32 का इकाई अंक क्या होगा, तो 6 को हटा दो क्योंकि हमें इकाई के नंबर से मतलब है, बचा 7 की पावर 32। 7 का रूल मैंने बताया था, 4 को 4 4 से डिवाइड किया करो पावर को। 7 का रूल क्या है, 4 4 से डिवाइड किया करो पावर को। तो अगर तुम 32 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0, तो 7 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। देखो ये क्वेश्चन आसान है अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो बेसिक। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे सर कॉन्सेप्ट ही तो नहीं क्लियर है, देखो अब यार ये तो नहीं बोला जा सकता क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन बन ना रहा हो जल्दी से, वो अलग चीज़ है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। एक बार क्वेश्चन पता होगा, हालांकि कुछ लोग के साथ दिक्कत ये होती है कि उन लोगों को कॉन्सेप्ट पता होने के बावजूद भी वो आदत से मजबूर होते हैं, वो पेन ही चलाते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं है, सॉरी वेट सॉरी, तो 67 की पावर, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन 67 की पावर 32? तो ये 7 है, 7 की पावर 32, 6 हटा दो, 7 की पावर 32, तो 7 की पावर 32 कितना हुआ, 4 से डिवाइड करो 32 को, 8 4 8 32, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो 7 की पावर 0 कितना हो गया, 1। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग बिना पेन के कर पाएंगे? देखो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि पेन चलाना नहीं है, लेकिन बस वही कि हम लोग टाइम बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ
दिस इज इक्वल टू ए। तो हाँ स्टूडेंट, इसमें ट्राई तो कर सकते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या कर सकते हैं। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सोच के देखिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा यार। अगर नहीं सॉल्व करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। यहाँ पर वैल्यू तुम्हें कोई भी मानोगे ना, तो एक्स की वैल्यू अगर 0 मानोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। अगर तुमने एक्स की वैल्यू 0 मान ली तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, या फिर अगर एक्स की वैल्यू 1 मान ली, एक्स की वैल्यू 1 मान के कर सकते हो। एक्स की वैल्यू 1 मान लो, फिर यहाँ से ए और बी के बीच का मतलब यहाँ से वैसे एलिमिनेट हो जाएगा कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा के। तो इसको तुम्हें पेन से सॉल्व करना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं लगेगा। चलिए, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पेन से हो पा रहे थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पेन से नहीं हो पा रहे थे। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। क्वेश्चन पेन के बिना बनाने की कोशिश चल रही है, जो पेन से बनेंगे यार वो तो करने ही करने हैं, वो तो उसमें तो कुछ बात ही नहीं है। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।